हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन नवदीप प्रिया खुशी गुड इवनिंग सभी को मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है आई एम ऑडिबल एंड एंडली ऑल प्रॉपरली सर न्यू स्पोकन इंग्लिश बैच आ रहा है हाँ जी खुशी बहुत खुश है बैच की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा तो आइए आज का जो सेशन है हमारा दिस इज द फोर्थ सेशन ऑन वर्ब एंड टेंसेज और हम यहाँ पे क्वेश्चन करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्टिविटी भी साथ ही साथ कर रहे हैं सो so, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करो अगेन दिस इज़ द एरिया जहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं और अगर ना भी मिलें डायरेक्टली तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है आम बोलचाल में इवन लिखने में पढ़ने में बोलने में और कई बार इनके स्ट्रक्चर को लेकर के हमें क्लैरिटी नहीं होती है सो so, इन टूडेज सेशन वी विल डिस्कस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट बिफोर दैट डिस्कशन आई वॉन्ट टू लेट यू नो दोज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटें बिकॉज ये बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक है जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल फिक्स्ड है एक फिक्स्ड सा स्ट्रक्चर है और अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है कहाँ पर गलती हुई है इसको सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रही है हेलो 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 आवाज़ तो आ रही है ना आपको हेलो कुछ आवाज़ में दिक्कत है हेलो चलो ठीक है तो किसको आवाज नहीं आ रही थी भाई आवाज आ रही है ना ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आपको समझ है इस टॉपिक की इज इट क्लियर टू यू नहीं सर हमें आप बताएं क्या है स्ट्रक्चर आ जाइए तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सॉल्व करने से पहले जरा इसकी गणित को समझ लो आप देखिए हमारे पास जब कंडीशनल सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो चार तरह के टाइप यूजुअली मिलते हैं टाइप वन कैसा है टाइप वन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है एक ऐसा सेंटेंस जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पैटर्न पे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जैसे आपको अगर कहा जाए कि इफ यू स्टडी इफ यू स्टडी प्रॉपरली इफ यू स्टडी प्रॉपरली यू कैन क्लियर एग्जाम इजीली ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है अब कंडीशनल सेंटेंस आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे इफ या अनलेस जैसे कंजंक्शन आपको देखने को मिलते हैं अब एक और अगर सेंटेंस लिखू मैं यहीं पे कि जो कि ज्ञान आपको बचपन से दिया गया कि इफ यू वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस गेट सक्सेस दो पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है क्या नजर आ रहा है यहां पर यह हमें नजर आ रहा है कि जो इफ वाला क्लॉज है दैट इज रिटर्न इन प्रेजेंट इनडेफिनिटेंस ये नो इट इज रिटर्न इन प्रेजेंट इनडेफिनिट इफ वाला क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो दूसरा मेन क्लॉज है बिकॉज ये कंडीशनल क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपना मतलब खुद में नहीं बता सकता आप सेंटेंस पढ़ के देख लें अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो भाई क्या होगा मेरे साथ मीनस वॉट दिस क्लॉज इज नॉट सेल्फ इन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स मीनिंग दैट्स इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज इसीलिए इसको इनडिपेंडेंट क्लॉज हम बोलते हैं तो जो भी कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें इफ लगा हुआ है अनलेस लगा हुआ है वो हमेशा ही क्या होंगे डिपेंडेंट ही होंगे तो खैर जो डिपेंडेंट क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है उसको हमने प्रेजेंट इन में लिखा और कई बार स्टूडेंट ये रट लेते हैं कि मेन क्लॉज में विल का इस्तेमाल होता है इधर प्रेजेंट इंडेफ़िनिट और इधर सब्जेक्ट प्लस विल बट इस बात का ध्यान रखें आप मैंने यहां पे एक विल दिया और एक कैन दिया है यहां पे विल और कैन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं इवन फॉर दैट मैटर और क्या इस्तेमाल हो सकता है शेल भी इस्तेमाल हो सकता है और मे भी इस्तेमाल हो सकता है तो ये सब मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब का ही एक फंक्शन एक यूज आपको दिखाई देता है कंडीशनल सेंटेंसेस में तो आप फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो कि अगर हमें टाइप वन का फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो आपका इफ वाला क्लॉज है वो कौन से टेंस में होगा इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इनडेफिनेट में होगा और इधर आप क्या देखते हैं इधर सब्जेक्ट के बाद विल शैल मे या कैन कोई भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि मॉडल का मतलब पिछली क्लास में आपने समझा था मूड शब्द से इसका जन्म हुआ है यानी जिस तरह का मूड आप पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं जो बात आप बताना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल वर्ब वहां पे चूज कर लोगे तो इस बात का ध्यान आपको रखना है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर है इसमें कहीं इधर उधर नहीं जाना अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हम इस सेंटेंस को और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको रिस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है जैसे आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि यू विल गेट सक्सेस यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड यू शुड हैव दिस क्लैरिटी बिकॉज ये बात ध्यान में रखनी है कि इफ यहां पे कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन इफ यू वर्क हार्ड ठीक है तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मेन क्लॉज है वो पहले आ गया और जो आपका सबोर्डिनेट क्लॉज है वो बाद में आ गया है तो आपको एक्चुअल सेंटेंस ऐसा भी मिल सकता है तो इस बात का ध्यान रखें यहां पे पजल ना हो कि ये क्या हो गया सो व्हेन यू स्टार्ट अ अ सेंटेंस विद कंजंक्शन यू यूज कॉमा इन बिटवीन एंड व्हेन कंजंक्शन कम्स इन बिटवीन आपको वहां कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ये हो गया आपका टाइप वन ठीक है पॉसिबल कंडीशनल भी बोलते हैं हम इसे बट नॉम के चक्कर में आपको फंसने की जरूरत है नहीं एट सच आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें टाइप टू क्या है हमारा वॉट इज टाइप टू टाइप टू का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान कोई कोई सेंटेंस बताने जा रहा है टाइप टू के लिए क्या कहानी होती है अगर आपने कुछ इस तरह का सेंटेंस लिखा कि शी वन शी वन अ मिलियन डॉलर शी वुड Go for a world tour. एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां पे फिनिश हो जाएगा आज कंप्लीट इफ शू वन अ मिलियन डॉलर शी वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूअर क्या नजर आ रहा है आप देख लें यहां पर शी वन मिलियन डॉलर वन वो आपकी सेकेंड फॉर्म है यानी इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है और यहां भी विल का पास्ट फॉर्म आपको नजर आ रहा है दैट इज वुड और यहां से आप खुद ही फॉर्मुलेट कर सकते हो इसको कि अगर हम टाइप टू की बात करें तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा है इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा और जो मेन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब जिस तरीके का मूड है सेंटेंस का यानी वुड कुड माइट शुड आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं और उसके बाद ये मॉडल वर्ब है दे ऑलवेज गो विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब So this is the clear identification of the type two structure of conditional sentences. Right, if clause will always be in past indefinite, and the main clause will have would, could, should, might with the first form of the verb. Again, inco, uh, inki placement clauses ki kaise bhi ho sakti. Jo wale case mein aap is baat ko would Should go for a world tour if she won a million dollars. So this is type two. Now what is type three? ट इज प्र इंटरेस्टिंग और बहुत देखने को भी मिलते हैं आपको सेंटेंसेस इसमें इसको हम कहते हैं इंपॉसिबल कंडीशनल स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का है जैसे कहा जाए कि इफ ही हैड प्रिपेयर्ड वेल इफ यी हैड प्रिपेयर्ड वेल ही कुड हैव ही कुड हैव परफॉर्म्ड ही कुड हैव परफॉर्म्ड Much much better, better. he could have performed much better. Now look at this sentence. This belongs to type 3 If he had prepared well, he could have performed much better. What is Hindi anuvad of this? क्या है हिंदी अनुवाद की अगर उसने ढंग से तैयारी करी होती तो और अच्छा परफॉर्म कर सकता था डेफिनेटली आप ये बात तब कहते हो जब उसकी परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है यानी जिस एग्जाम के बारे में ये बात हो रही है उस एग्जाम में अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता सो वेन एवर यू मेक एनी सेंटेंस इन इम्पॉसिबल इंपॉसिबल टाइप थ्री स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो इसका मतलब अब वो काम नहीं हो सकता वो बात हाथ से निकल चुकी है तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है भाई जो इफ वाला क्लॉज है वो कौन से टेंस में है ही हैड दिस इज पास्ट परफेक्ट दिस इज पास्ट परफेक्ट और यहां पे आपको अगेन कहानी नजर आ रही है अब सिर्फ कुड नहीं रहा Could have लग गया और जब कुड हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग जाएगी और अगेन बाकी के भी मॉडल वर्ब्स इसी तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं शुड है you can simply use that. तो एक जो simple सा स्ट्रक्चर है वो आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे सिंपल सा स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है कि भाई जो हमारा इफ वाला क्लॉज है वो किसमें होगा इफ वाला क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा तो इधर की अगर हम बात करें तो इधर कहानी क्या हो रही है सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट या शुड प्लस हैव इसीलिए सारे एक साथ मैंने लिख दिए क्योंकि सभी के साथ हैव आ जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप थ्री राइट अगेन ये प्लेसमेंट जो है आगे एक दूसरे की जगह पे हो सकती है लाइक like आप मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं वाली क्लॉज दूसरी जगह लिखी जा सकती है एक इसमें छोटी सी बात और भी आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या कि इस बात को जो गिवन सेंटेंस है हमारा इसको रिफ्रेश करने का एक और भी तरीका है हम इस बात को और कैसे कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं इस तरीके से भी कि हैड ही हैव

कंडीशनल सेंटेंस होगा अब इसमें थोड़ी सी कहानी और बदलती है uh, कहानी इस तरीके से बदलती है बिकॉज़ आप इसमें वॉइस का भी खेल आ जाता है थोड़ा सा जैसे आपने कई बार सुना होगा इस तरह का सेंटेंस कि दिस शुड हैव बीन डन बिफोर दिस शुड हैव बीन डन दिस दिस शुड हैव बीन डन बिफोर या दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड 5 मंथ्स बैक सो व्हाट यू फाइंड ओवर हियर दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड अब यहां पे देख रहे हो आप हॉर्मुला तो हमें दिखा रहा है कि शुड हैव रहे किड है थर्ड फॉर्म यहां कबाब में हड्डी एक वर्ड बीन भी आ गया शुड हैव बीन कंप्लीटेड तो ऐसा आप नहीं कहोगे कि नहीं ये तो गलत हो गया ये तो हमारे नियमों के विरुद्ध है नो इट्स नॉट द सिंपल फैक्ट इज कि वो क्लॉज उस समय किसमें लिखा गया है वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो वॉइस की भी एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए थोड़े से अच्छे लेवल के सेंटेंसेस में कई बार यहां पे फंसा दिया जा सकता है अगर आप इसको बस मगअप करके जाओगे रट के जाओगे तो लाइक इट इज एप्सोल्यूटली एविडेंट ओवर दैट इन द गिवन सेंटेंस बोथ द बोध आर रिटर्न इन एक्टिव वॉयस दोनों के दोनों क्लॉजे किसमें लिखे गए हैं एक्टिव वॉयस में लिखे गए हैं? हैं यहां पे चार तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दोनों एक्टिव वॉयस में हैं, दोनों क्लॉजेस पैसिव पैसि में भी हो सकते हैं दोनों क्लॉजेस पैसे वाइस में भी हो सकते हैं राइट दोनों क्लॉजेस में से एक क्लॉज एक्टिव में दूसरा में और पहला पैसिव में दूसरा एक्टिव में मतलब ये चार वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा इसके एग्जांपल्स राइट मैं अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा आपके लिए आप चाहिए तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अभी भी कोई लिखना चाहेगा अभिषेक कह रहे हैं इनवर्जन नहीं इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अलग है उसको इसके साथ थोड़ा मिक्स नहीं करना डेफिनेटली इन्वर्जन का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है बट जो रूल ऑफ इन्वर्जन हम यूज करते हैं जहां पे हेल्पिंग वो पहले आता है तो ये जो कंडीशनल में है यहां पे आप इस्तेमाल देखते हो बट मैंने इन्वर्जन आपको मॉडिफायर्स में बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ाया हुआ है मुझे बताएंगे आप सेंटेंसेस या आगे बढ़ सकते हैं जैसे सलीम खान साहब का एक पेपर में डायलॉग डायलॉग क्या एक स्टेटमेंट आया था जब एक फिल्म फ्लॉप हुई थी दैट वाज uh, मतलब उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी सलमान खान की और वो फिल्म थी आपकी ट्यूबलाइट तो उस समय ये एग्जाम्पल uh, ये स्टेटमेंट आई थी कि समवन एल्स अ सक्सेसफुल मूवी सो दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय सलीम खान ही सेट दैट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज आप उनको जब उस तरह के रोल में लेके आओगे तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी इसीलिए कहा गया अगर किसी और को फिल्म में लिया गया होता तो फिल्म सफल हो गई होती बोथ द बोध आर रिटर्न इन वॉट इन पैसे सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिकॉज आपको यह समझ होना चाहिए कि वेन यू राइट समथिंग इन एक्टिव वॉयस एंड वेन यू राइट समथिंग इन पैसे वॉयस कब कौन सा वॉयस हम यूज करते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा एक लाइन में ध्यान में रखेंगे आप

उसमें लेन जिसको लिया जा रहा है उसका कोई खास रोल नहीं होता लेने वालों का होता है जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है जो फिल्म की डिमांड है जो एक्टर की इमेज है आर मल्टीपल फैक्टर्स आर फैक्टर्सिबल फॉर दैट सिलेक्शन तो दैट इज इन पैसे एंड अगेन फिल्म कोई डूअर नहीं है फिल्म अपने आप से नहीं हिट हो जाएगी फिल्म को हिट बनाया जाता है यानी लोग उसको देखेंगे तो फिल्म हिट होगी सो इन बोथ द क्लॉजेस इट इज दिटर्न इन वॉट इन पैसे तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है वॉयस का कि कई बार आपको इधर भी मिल सकता है लाइक like, uh, जो इफ वाला क्लॉज है वो पैसे वॉयस में दूसरा मेन क्लॉज में मेन क्लॉज राइट सो आइए अब हम टाइप फोर की तरफ बढ़ते हो सकते कुछ सेंटेंस आपको मिल जाए वहां पे हम डिस्कशन और कर लेंगे इसको लेकर के और टाइप फोर की भी बात कर लू मैं क्वेश्चंस आगे आपके सेट हैं बिल्कुल देखो टाइप फोर को हम बोल लेते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस और बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर ये भी है और बहुत बार ये कंफ्यूज भी करता होता है जैसे कोई कहे कि फाइव वर यू इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर व्हाट इज द हिंदी अनुवाद ऑफ दिस कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता राइट right. अब ये ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कारण ये है कि यहां पे वर जो लिखा हुआ ये कई बार गले के नीचे उतरता नहीं हमें लगता है यार ये एरर है यहां पे आई लगा हुआ वर कैसे लगा दिया बट ये ध्यान रखें आप जो भी हमारे हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं बिकॉज मैं तुम नहीं हो सकता तुम अलग हो मैं अलग हूं लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता दैट्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस सो मैं तुम्हारी जगह होता मैं तुम होता तो तुम तो हो नहीं सकता ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ऐसे हालात में इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स वॉट व्हाट सो द सब्जेक्ट इज आई है ही है यू है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो विल ऑलवेज बी वर इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक दूसरी बात और भी होती है जो प्रोनाउन के चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि भाई ये वाला जो केस है हमारा ये हमेशा कौन सा होगा सब्जेक्टिव केस होगा तो लेकिन यू जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही होता है तो खैर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है राइट सो so इस बात का जरूर ध्यान में रखेंगे आप क्योंकि ये इमेजिनेशन है प्रेजेंट सिचुएशन की एक हाइपोथेसिस आप कर रहे हैं इसमें पास्ट की इमेजिनेशन के लिए भी आप जा सकते हैं कई बार अगर ये होता है जैसे ये मान लो कुछ इस तरह की सिचुएशन की आपका कोई दोस्त है उसके कॉलेज में यू you नो know, जो प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी उसको कोई जॉब ऑफर करी गई और जॉब उसे जो है वो पसंद नहीं है उसने मना कर दिया वो आकर के आज आपको बता रहा है कि यार कल मेरे कॉलेज में एक प्लेसमेंट ड्राइव थी एंड आई वाज ऑफर्ड विद दिस पर्टिकुलर जॉब बट आई डिक्लाइन दैट ऑफर अब आप ये कह रहे हैं कि फाइव वर यू आई वुड एक्सेप्ट दैट ऑफर तो ये एक तरह से अभी की इमेजिनेशन है प्रेजेंट हाइपोथेसिस आप उसकी जगह पर अपने आप को रख रहे हैं आप हो तो ही जाएंगे यार क्या बेवकूफी कर दी तुमने अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ऑफर ले लेता पैसा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर वो कंपनी तुम्हें बहुत सीखने का मौका देती तुमने गलती कर दी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने वो जॉब मैं वो जॉब ले लिया होता लेकिन मान लो वही दोस्त आपका पांच साल पुरानी घटना का जिक्र कर रहा है कि पांच साल पहले वो कॉलेज में था पांच साल पहले उसको जॉब ऑफर हुई थी ऐसे ही और उसने उस समय मना कर दिया था अब आज वो घटना आपको सुना रहा है आज के समय में तो आप फिर क्या बोलेंगे कि इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है तब राइट right? तो जनरल स्ट्रक्चर तो ऐसा ही देखने को मिलता है बट वही बात है, ये थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन है इफ आई हैड बीन यू इफ आई हैड बीन यू क्योंकि अब एक पास्ट की इमेजिनेशन है आई वुड हैु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर दैट्स द करेक्ट स्ट्रक्चर देन राइट सो दिस इज द

वादा करना पच्चीस क्वेश्चन है पूरा नंबर लेके जाना है क्लास से हैड ही डन हिज होमवर्क वेल ही वुड नॉट दिस इज इज एनी प्रॉब्लम नो नो नॉट एट ऑल टाइप बताते चलो कौन सा टाइप है ये अभी जिसको हम डिस्कस करके हटे हैं दिस इज टाइप थ्री और आप खुद ही देख रहे हो यहां पे शुरुआत किससे हो रही है हेड से हो रही वही जो अभी हमने बात करी है इनवर्जन वाला मामला कि भाई यहां पे शुरुआत हेड से हो रही है मतलब क्या हुआ अगर उसने अपना होमवर्क ढंग से किया होता तो उसे इस तरह की एम्बेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता दैट इज द हिंदी अनुवाद एज वेल एंड ये मैं हिंदी अनुवाद जो बोल रहा हूं वो इसीलिए है बिकॉज वट एवर कंफर्टेबल इन पुटिंग फॉरवर्ड दैट फीलिंग्स इन इंग्लिश सेंटेंस करेक्टली स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए राइट right? तो अभी नेगेटिव कर दो कोई दिक्कत नहीं है ही वुड नॉट दिस हैसमेंट दोनों बातें एक्टिव में लिखी हैं क्योंकि वो खुद जिम्मेदार है उसने होमवर्क नहीं किया एंड ही वुड नॉट दिस हैसमेंट चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन नो एरर था यहां पर इफ यू हैड रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली वॉट डू यू से

चलिए नेक्स्ट वन रीड इट आउट एंड टेल मी आई वुड हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक ऑफ साइनिंग द सेल डीड इफ माय एजेंट वुड नॉट हैव फोर वॉन्ड मी कहां पे एरर है कैसे करेक्ट करोगे नजर आ गया दीबा खुशी प्रिया हर्षित रोहित यस आप देखो इफ वाला स्टेटमेंट आपका बीच में आ रहा मतलब इफ वाला जो क्लॉज है वो शुरू नहीं कर रहा वो बीच में आ रहा है बीच जिसके हमने बात करी थी और आपको पता है कि इफ वाले क्लॉज के अंदर आप उड का इस्तेमाल कहीं देखा है आपने इफ प्रेजेंट इन डेफिनेट मेन क्लॉज में विल शैल मे कैन

आई वुड हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक ऑफ साइनिंग द सेल रीड मुझसे फिर वही गलती हो जाती गनीमत यह थी कि मेरे एजेंट ने मुझे पहले से इस बात के लिए सचेत कर दिया था अगेन दिस इज टी थ्री टाइप थ्री है यह आइए हैड ही नॉट रीज इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड गोल्डन ऑपरचुनिटी विच कम्स वनस इन अ वाइल हैड ही नॉट रीज इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन ऑपॉर्चुनिटी विच विच कम्स Once in a while, is there any problem? No error. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं एक थोड़ा सा ज्ञान मैं आपसे लेना चाहूंगा यहां पे विच कम्स वंस इन अ वाइल व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इज दिस इट्स अ नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और क्लॉज व्हाट डू यू थिंक डेफिनेटली आई लव दिस कॉन्फिडेंस देर इज नो एर एट ऑल हैड हेड नॉट रीच इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड गोल्डन ऑपरचुनिटी दिस इज टाइप थ्री सो विच कम्स वंस इन अ वाइल इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द गोल्डन ऑपॉर्चुनिटी दैट इज नाउन फ्रेज और जो भी नाउन नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करेगा दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव सो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई वॉज ही यहां पढ़ते ही आपकी जबान रुक जाएगी अभी देखा है आपने दिस इज टाइप फोर वॉज विल बी रिप्लेसड विद वर और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा पूरक होगा दैट शुड ऑलवेज बी रिटर्न इन सब्जेक्टिव केस यहां पे ये यह बिल्कुल ठीक है देख रहे हैं आप कि भाई इफ आई वर ही दिस इज सब्जेक्टिव केस अगर मैं उसकी जगह होता आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट वन इफ यू हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्गली लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू नो ये बड़ी दिक्कत होती वुड हैव कुड है, कहां बीन लगेगा कहां थर्ड फॉर्म लगेगी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पे If you have read, आपकी जबान यहीं रुक जाएगी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको पता है इफ वाला क्लॉज कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं था ना पास्ट परफेक्ट में था और इधर दिख रहा है आपको वुड नॉट हैव सो ए पार्ट में प्रॉब्लम था को आपको हैड से रिप्लेस करना है इफ यू हैड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली यू वुड नॉट द क्वेश्चन रॉन्गली अगेन कौन सा टाइप है टी थ्री इफ ही हैड वॉकड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस कहां करेक्शन करोगे आप इंटरेस्टिंग टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक इफ ही हैड वॉकड फास्ट एनफ वाला क्लास पास्ट परफेक्ट में है, तो भाई विल गेट कैसे आएगा तो टाइप वन का स्ट्रक्चर दे दिया मेन क्लॉज में तो यहां पे किसके साथ जाने वाले हो ई के बाद क्या लिखोगे आप इस पूरे को किससे रिप्लेस करने वाले हो इसको आप रिप्लेस करने वाले हो वुड हैव गॉट से वुड हैव गॉट द बस इफ यू हैड बॉक्ट पास यानी उसकी बस छूट चुकी है छूटने के बाद आप यह बात कह रहे हैं तो अगर वो थोड़ा और तेज चला होता तो उसको उसकी बस मिल गई होती अगेन दिस इज टी थ्री टाइप थ्री नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस आवर नेबर्स हैड रिपीटेड द सेम एल लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इफ वी हैव नॉट ब्रॉड द फैक्ट टू देर नोटिस येस

राइट इफ वी द उन्होंने फिर वही सेम इलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज करी होती अगर हम फैक्ट्स तो उनके नोटिस में लेके नहीं आए होते दिस इज टाइप थ्री टाइप थ्री में ही ज्यादा मुश्किल आती इसीलिए मैंने आपको बताया वो चारों वेरियंट आप ध्यान में रखेंगे इन टाइप थ्री ऑल द फोर वेरियंट यू शुड रिमेंबर यू नीड नॉट मग अप रिटर्न इन लाइक पास्ट परफेक्ट वै ये रटना नहीं है ये बेसिक स्ट्रक्चर है जहां दोनों आपके एक्टिव वॉयस में है जो हमारा वेरिएंट नंबर टू है उसमें दोनों पैसे में हो सकते हैं वेरिएंट नंबर में इफ वाला एक्टिव में हो सकता है मेन पैसे में हो सकता है और वेरियंट नंबर फोर में इफ वाला पैसे में हो सकता है और मेन क्लॉज एक्टिव में हो सकता है और वेन यू रीड न्यूज पेपर मैगजीन यू नो और एनी राइटअप जो भी कुछ पढ़ते हो आप वहां पे ध्यान देना आगे से इन बातों पे कि कौन सी बात एक्टिव में है कौन सी पैसिव में अब जैसे कोई नालायक सा बच्चा अपने माँ बाप पे ठीकरा फोड़ रहा हो अपनी असफलता का और वो कह रहा हो कि माय फादर हैड सेंट मी टू अ कॉन्वेंट स्कूल माय फेट वुड हैव बीन चेंज्ड कि तो अगर मेरे पिता ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा होता तो मेरा भाग्य बदल गया होता इफ माय फादर हैड सेंट मी इफ वाला क्लॉस तो एक्टिव वायस में है बट माई फेट वुड हैव बीन चेंज्ड

so i if i would have realized this is incorrect if i had realized same kahani uh, if i had realized what a bad shape our library is in kitne bure halat mein meri library hai agar mujhe ye baat realize hui hoti to maine zarur kuch main kiya hota is deterioration ko rokne ke liye arrest the deterioration ka wahi hai matlab कि भाई deterioration जो हो रही है building जो खराब हालात में है आप उसको रोकते this is again what type थ्री next question

इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना राइट दिस इज एडवियल फ्रेज ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है यहां पे। तो आई वुड हैव हेल्प्ड, बस ये ध्यान में रखनी है बात आपको इसको हेल्प्ड कर दोगे तो अगर पता हुआ रहता मुझे तो मैं जरूर तुम्हें मदद किया होता ये आपने करेक्शन यहां पे करना है ये टाइप टू का जो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर है वो टाइप टू दे दिया और कंडीशनल टाइप थ्री था दे नाउ क्लेम दैट दे वुड हैव गाइडेड अस इफ वी वुड है कहानी क्या है यहां पर आपको कंडीशनल कहां से देखना है कंडीशनल की शुरुआत दैट के बाद वाले क्लॉज में हो रही है इतने पार्ट से कोई लेना देना नहीं है और आप इधर क्या देख रहे हो जहां से शुरुआत हो रही है इफ वाला क्लॉज किस में लिखा हुआ वी वुड है तो तुरंत आपकी ज्ञान चक्ष जल जाएंगे आंखें खुल जाएंगी कि भाई इफ वाले क्लास में हैव की जरूरत ही नहीं है यहां पे हैड आ जाएगा हैव तो यहां दिया ही हुआ है अगेन दिस इज व्हाट टाइप थ्री इफ वी हैड रिक्वेस्टेड देम दे वुड हैव अस अगर हमने उनको रिक्वेस्ट किया होता तो उन्होंने हमें गाइड किया होता वो ऐसा क्लेम करते हैं अब सो so, यहां पर अगेन दिस इज टाइप थ्री बताइए i would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake क्या दिख रहा है i would have asked him to leave our house immediately मैंने उनको कहा था, भैया घर छोड़ निकल जाओ बस तुरंत अगर मेरे पिताजी घर पे नहीं होते और जगह नहीं होते अब पिताजी थे थोड़ा तो सम्मान कर लिया नहीं तो मैं उसको तो तुरंत भगा दिया होता अपने घर से that's the sense out here so if my father would not have been this is incorrect अभी जानते हैं

Uh, कल तक हमने ग्रामर प्राइमर पढ़ा है जहां पे मैंने फ्रेज क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करें वर्ड्स को पहले समझा फिर फ्रेज को समझा फिर क्लॉज को समझा जो भी स्टूडेंट्स अगर वहां से देख रहे होंगे इन क्लासेस को तो उनको बात समझ आ रही है ये बहुत जरूरी है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों आप अगर एक सेंटेंस के टुकड़े नहीं पहचान पाते तो जस्ट टिप्स और ट्रिक्स से काम नहीं चलता अब जैसे यहां पर देखो आप टोल्ड मी इतने से कोई लेना देना नहीं है ये कंडीशनल क्लॉज नहीं दैट के बाद कहानी शुरू हो रही है ही वुड नॉट टॉक टू मी इफ आई डू नॉट अटेंड टू व्हाट ही सेड अगर मैं आपसे पूछूं अब ये व्हाट ही सेड क्या है सो दिस इज नाउन क्लॉज ये नाउन क्लॉज है जो काम किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपजिशन यहां प्रिपोजिशन क्या है टू राइट सो उतने पार्ट की अगर आप बात करो अगर पूरा पूरा देख रहे आई डू नॉट अटेंड टू वॉट ही सेट तो वो पूरा का पूरा आपका जो हो गया अगेन नाउन फ्रेज है जो कि अटेंड के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और वहां टू इंफिनेटिव जैसा होगा तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी लैंग्वेज की तभी बढ़ती नहीं तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे यार ये सेट आ गया ये किसका पार्ट है ठीक है so, सो खैर अब इधर आ जाइए क्या दिख रहा है आई डू नॉट अटेंड लिखा हुआ है उधर लिखा है ही वुड नॉट टॉक टू मी तो डू नॉट अटेंड यहां पर ठीक है क्या क्या होना चाहिए वेरी गुड खुशी दैट इज आई डिड नॉट अटेंड आई डिड नॉट अटेंड ये होना चाहिए यहां पर माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉक टू मीफ आई डिड नॉट अटेंड वॉट ही सेट अगर उन्होंने जो कहा है मैंने वो नहीं किया अटेंड का यह मतलब है वहां पर तो उन्होंने ऐसा कहा मुझसे कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो दिस इज टाइप टू इफ वाला क्लास देखिए पास्ट इन डेफिनेट में आ गया पास्ट इन डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब डिड है और उधर वुड नॉट एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है

ये टाइप थ्री है कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में और टाइप थ्री का कौन सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली ये तो आपका एवी में लिखा यानी एक्टिव वॉइस में है मैं वही कह रहा था कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आई जाएगा और इधर देखिए जो मेन क्लॉज लिखा है दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड यहां वो वाली गणित आपको नहीं दिख रहे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव और अवॉइडेड के बीच में क्या आ गया बीन आ गया बिकॉज यहां पे एक्शन के ऊपर फोकस है कौन उस कंफ्यूजन से बचाता इसकी बात नहीं हो रही कहा जा रहा है उस कंफ्यूजन से बचा जा सकता था राइट सो दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड यानी क्या पता लग रहा है कि ये जो आपका क्लॉज है पूरा का पूरा यह किसमें लिखा गया ये पैसे वैस में लिखा है तो मैं वही कह रहा था अब कोई रटा हुआ बच्चा कहे नहीं नहीं वुड हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती बीन हटा दो आंख मूद करके सेंटेंस नहीं पढ़ना एवरी कॉन्सेप्ट एवरी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर फॉर दैट मैटर इन जनरल फॉर दैट मैटर इज इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट हर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट पे होता है कॉन्टेक्स्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हैड यू एनकरेज हिम इन हिज एंडेवर ही वुड हैड सक्सीडेड अगर तुमने उसके प्रयासों में उसे एनकरेज किया होता तो वो सफल हो गया होता तो हैड यू एनकरेज हिम इन हिज एंडेवर यहां तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है टाइप थ्री है Inversion वाला केस देख रहे हैं हैड नहीं हैव होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं टाइप थ्री से इफ आई वाज द किंग जबान यही रुक जाएगी ये बचपन में आप ऐसे लिखा करते थे स्कूल के दिनों में याद आ रहा है अगर मैं प्रधानमंत्री होता अगर मैं राष्ट्रपति होता अगर मैं राजा होता तो ये बिल्कुल वही है अब हो तो सकते नहीं फीलिंग ही लेनी है तो ले लो कोई बात नहीं इफ आई वर द किंग अगर मैं राजा होता तो ये हाइपोथेटिकल वाला केस है आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री

हैड वी नोन दैट देयर वॉज अ कैच इन दफर अगर हमें पता होता है कि इस ऑफर में कुछ ना कुछ झोल है तो हम वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट राइट सो यहां कॉमा होना चाहिए कोई दिक्कत है यहां पर इज देर एनी एरर इन द सेंटेंस नो नॉट एट ऑल राइट नॉट एट ऑल नो एरर वेरी गुड इफ यू वुड हैव अरेन्ज्ड दीज रेड फ्लॉर्स इन अ वॉस टूगेदर some white ones together some white ones with together with होना चाहिए यहां पे थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे together with some white ones सन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना दे वुड हैव लुक्ड प्रीटी तो खैर एरर तो आपको नजर आ गया एरर आपको यहीं पर नजर आ चुका है इफ वाला क्लॉज हैव तो होगा नहीं तो इस पूरे पार्ट को आप रिप्लेस करेंगे हैड से इफ यू हैड अरेंज्ड दीज रेड फ्लावर्स इन वॉश टूगेदर विद व्हाइट वंस राइट इन लाल फूलों को तुम कुछ सफेद फूलों के साथ अगर वॉश में अरेंज कर दिए होते दे वुड हैुकड प्रिटीत वो और सुंदर लगते you would have certainly completed the work in the allowed time had you planned it properly right so had you planned it properly you would have certainly completed the work अब देखो यही सारी चीजें ध्यान में हमें रखनी है अब खैर यहां कॉमा होना चाहिए ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे आप कंडीशनल क्लॉज बाद में लिखा जा रहा है मेन क्लॉज पहले है यूड हैव सर्टनली कंप्लीटेड द वर्क इन द अलाउट टाइम देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सो देयर इज एनी एरर नो एर वेरी गुड If you would have told me earlier I would not have submitted my papers if you would have told me earlier I would not have submitted my papers अगर तुमने मुझे पहले बोल दिया होता तो मैंने मैं अपने पेपर सबमिट नहीं करता तो वुड हैव को आप रिप्लेस करेंगे हैड के साथ if you had told me earlier i would not have submitted my papers every man is conditioned by the age in which he lives

इतने पार्ट से कोई लेना देना नहीं ये कंडीशनल नहीं है इट्स जनरल स्टेटमेंट कि हर एक इंसान कंडीशन होता है जिस समय का है वो जिस समय में वो रहता है उसका प्रभाव होगा उसकी जिंदगी के ऊपर उसकी कंडीशनिंग उसी तरीके से होगी सोचने समझने की ताकत समझ एंड के बाद कहानी शुरू हो रही है एंड इफ ही वर टू रिटर्न और अगर उसको रिटर्न होना हो किसी और एज में ही वुड नॉट बी हैप्पी सो अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल केस वर एंड वुड लगा हुआ है काम खत्म आपका देयर इज नो एरर एरर है क्या यहां पे नजर आ गया सो देर इज नो एरर और यहां पे अगर मैं पूछूं वर्ल्ड टू रिटर्न किस तरह का केस है तो बताओगे आप अगली क्लास मंडे वाली क्लास इसी से संबंधित होगी जो नॉन फाइनाइट्स आपको बहुत परेशान करते हैं अब आप मैं थोड़ा इधर इशारा करने की कोशिश करता हूं जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहां पे सेंटेंस की He is attending this function. ये एक sentence है। ये तो बात आपके गले नीचे उतर जाती है, बचपन से पढ़ रहे हो। But अगर वहीं पे sentence ऐसा लिखा हो, He is to attend, He is to attend this function. Now what is the difference in these two sentences? Someone who is not aware about the concept may say द सेकेंड वन इज इन करेक्ट सर ये कौन सी अंग्रेजी इज के बाद टू बट अगर आपको क्लैरिटी है फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हैं आपने एडवांस वर्ब को ढंग से समझा है पढ़ा है नॉन फाइनाइट्स आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये इन्फिनेटिव है और यहां पे इंफिनेटिव का इस्तेमाल यानी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल एज इन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है पूरक के तौर पे हो रहा है

इमिनेंट मीन समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन कोई चीज जो घटित होने वाली है और क्योंकि ये नॉन फाइनाइट्स के अंदर आते हैं जीरेंडेट एंड पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट है इनके ऊपर ना टेंस का फर्क पड़ता है ना सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है इसीलिए आप ये भी कह सकते हो लाइक यहां पे लिखा इफ ही वर खैर हाइपोथेटिकल है वो अगर मान लो इफ ही वॉच टू मैरी लिखा हुआ कहीं ही वॉच टू मैरी इसका क्या मतलब वो शादी करने वाला था इज टू मैरी वो शादी करने वाला है तो किसी भी टेंस में आप टू प्लस यून का इस्तेमाल इस तौर पे कर सकते हैं तो खैर देर वॉज नो एरर हां जी यही मतलब होता है और इमिनेंट के साथ दो वर्ड और ध्यान में रखिए जो आप जानते भी हैं बट जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर एमिनेंट एवरी वन इज अवेयर ऑफ ही इज एन एमिनेंट स्कॉलर एंड द सेकेंड वर्ड इज वॉर दैट इज इमानेंट

नैसर्गिक, जिसको आप कहते हो हिंदी में तो नेचुरल इनेट प्रॉपर्टी के लिए नेचुरल प्रॉपर्टी के लिए भी नेचुरल कोई चीज है नैसर्गिक है उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इमानेंट तो कई बार ये सेंटेंस में गॉड इज इमानेंट फुल स्टॉप सो इमानेंट इज द एडजेक्टिव दैट इज काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग द गॉड ऑल परवेडिंग नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैड यू नॉट रीज इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट ऑल अवर बिलोंगिंग्स अगर तुम समय रहते वहां नहीं पहुंचते हम अपना सारा सामान खो दिए होते सो वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स नो एरर नो कोई एरर है यहां पे? नो no एरर और अगेन अगर मैं पूछूं ऑल आवर बिलोंगिंग्स क्या है सो दिस इज नाउन फ्रेज कैसे पता लग रहा है भाई लॉस्ट वर्ब है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया क्या खो, खो दिए होते तो यहां पे नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है I would have enjoyed the journey more if the man in the berth below mine would not have snored all the time. कह रहा यार मैंने अपनी जर्नी ना ट्रेन की जर्नी बड़ी एंजॉय करी होती अगर मेरे बर्थ के नीचे वाले बर्थ पे जो आदमी था जिसने रात भर खर्राटे मारे अगर वो नहीं होता तो तो I would have enjoyed the journey more if the man in the berth below mine would not have snored all the time. So again if i ask you that what is what kind of phrase is this? ये चीजें बहुत ध्यान में आपको रखनी है अगर नहीं रख पाओगे समझोगे नहीं आप आ, जो भी नए लोग जुड़े हैं बैंकिंग स्पेशल बैचेस में पिछले भी एक दो दिनों में बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं आ, तो उनसे ये गुजारिश है कि कल सैटरडे संडे है नेक्स्ट दो दिनों में आप प्लीज पीछे के सारे लेक्चर्स देख लें क्योंकि यहां पर भी जब हमारी यूट्यूब पर मुलाकात होगी तो मैं ये चीजें पूछता रहूंगा आपसे तो अगर आपको पहचान है तो आप बहुत आसानी जवाब दोगे और अंग्रेजी की समझ बढ़ेगी जब समझ में आती है कोई चीज तो हमें फिर आनंद की अनुभूति होती है मजा आने लग जाता है अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैन इज द सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब यहां पे लगा हुआ है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कहानी लिखी गई है ये क्या है दिस इज वॉट ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये उस पर्टिकुलर इंसान को यानी उस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम किस इंसान की बात कर रहे हैं जिसने पूरे रास्ते में खर्राटे भरे वो वाला आदमी जो कि मेरे बर्थ के नीचे था अब देखो ये माइन के अंदर क्या छुपा हुआ? हुआ है दिस इज पजेसिव प्रोनाउन इसके अंदर छुपा हुआ है माई बर्थ सॉरी बर्थ बी आर टी एच वाला बर्थ है ये बी आई आर टी एच तो जन्म हो गया तो मेरे नीचे वाले बर्थ के ठीक है सो आई वुड हैव एंजॉयड द जर्नी मोर मैने जर्नी इफ द मैन वुड नॉट हैव ऑल द टाइम सो खैर कोई एरर यहां पे नहीं है बट यहां पे इतने सारे डिस्कशन का स्कोप जरूर था ही वुड हैव लेंट मी अ पेन इफ ही वॉज नोइंग आई डेंट वन ही वुड हैव लेंट मी अ पेन उसने मुझे एक पेन उधार दे दिया होता इफ ही वॉज नोइंग आई डेंट हैन इफ ही न्यू आपको दिख रहा है सॉरी इफ ही न्यू नहीं ये ही वुड है किस में है टाइप थ्री में है सो इफ ही हैड नोन इफ ही हैड नोन यानी यहां पर आप पास्ट परफेक्ट में जाओगे ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूस इफ ही हैड नोन आई डेंट अब अगर मैं अगर आपसे यहां से पूछूं यहां पे कि भाई मुझे ये बताओ आप कि ये क्या है वट इज दिस तो भाई ये अगेन आपका नाउन क्लॉज है नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कौन सा वर्ब इस नोन का ऑब्जेक्ट है कि अगर उसे इस बात का पता होता कि मेरे पास कोई पेन नहीं है तो उसने जरूर मुझे एक पेन उधार दे दी होती दैट्स द सेंस ऑफ हेयर If you were Prime Minister of India, what steps would you have taken to end unemployment? बताएँ mujhe Okay, priya I'll talk about the vocabulary on this channel as well. Don't worry about that. Let's complete जो हमने शुरू करा है इसको complete करते हैं। Grammar foundation चल रहा था तो modifiers देखा आपने, verb or tense देख लो। वो भी चार क्लासें हो गईं। एक और क्लास लूँगा मैं मंडे को क्योंकि modifiers आपको बहुत sorry modifiers कह रहा हूँ। इट बहुत परेशान करते हैं एडवांस वर्ब को लेके मन में बड़ा डर है इसको भी लेके बड़ा डर था तो ऐसे सारे ये डर क्लियर करके फिर आगे फिर हम वो कैब पे या इंग्लिश पे जैसे आप चाहोगे यूट्यूब सेशन कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट जी इज देर एनी अर आउटर इन द सेंटेंस इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉट स्टेप्स वुड यू टेक हाइपोथेटिकल है साफ साफ नजर आ रहा है अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो वुड यू हैव टेक नहीं लगेगा उसके साथ वो की फर्स्ट फॉर्म ये एरर था यहां पे सो विद दिस दिस वी आर रैपिंग अप सेशन एंड लास्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं इस बैच की बड़े लंबे समय से डिमांड थी और खास तौर से हमारे वो स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की आपके लिए पता है कि जीडी और इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है एंड अगेन कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन करते हो प्री क्लियर हुआ प्रिपरेशन अच्छे लेवल की नहीं थी तो मेंस क्लियर नहीं होता कई बार आप जैसे यहां पे आप सिस्टमेटिक के के हमने वहां पर बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर भी इसीलिए रखा है कि शुरुआत से तैयारी टॉप लेवल तक हो सिलेक्शन वाली तैयारी हो आपकी अब उसमें एक पड़ाव ये आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा जो पड़ाव है और कई बार ये बैंकिंग एक्सपीरेंट्स के लिए दिक्कत होती है क्योंकि कई बार हमारे जो आप बाकी एग्जाम के स्टेडेंट्स हैं एस एस सी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बैंकिंग के एग्जाम राइट कर रहे हैं बट क्योंकि वहां इंटरव्यू की जरूरत नहीं है या उन स्किल्स की उतनी जरूरत नहीं है वो उतना ध्यान नहीं देते उन चीजों के ऊपर चाहे वो उनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं प्रोनासिएशन डिक्शन वोकल एनर्जी वॉइस मॉड्यूलेशन प्रोजेक्शन कैसे कि इफेक्टिव स्पीकर बने एक जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटी के अंदर कोई भी टॉपिक मुझे मिले कैसे मुझे सोचना है हाउ टू क्रिएट थॉट्स एंड कॉन्टेंट इन अ प्रेशराइज सिचुएशन तो ये सब बड़ी समस्याएं हैं और अगेन आपको मान लो क्लियर हो गया फिर टाइम इंटरव्यू के लिए कम मिलता है अब उतने समय में जो जिंदगी भर आपने किया नहीं ऐसा तो है नहीं कि बीस दिन में एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पे इफेक्ट आने वाला है जिंदगी में तो ये कोर्स उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है राइट ये फर्स्ट टाइम वीओडी बैच स्पोकन का आ रहा है जो मेरा लास्ट लाइव बैच था और यहां पे कुछ आपको 45 अड़तालीस घंटे की क्लासेस हैं ये टोटल और जैसे जीडी अब इसमें टॉपिक सारे लिखे हुए हैं चैलेंजेस क्या हैं स्पोकन में कैसे आप अपनी लिसनिंग स्किल इंप्रूव करें कैसे मदर टंग इन्फ्लुएंस को दूर करो आप कैसे आप प्रोनाउंसिएशन डिक्शन वोकल इंटोनेशन एनर्जी कैसे इसको इंप्रूव करो इसका साइंस क्या है बोलने का पूरा साइंस क्या है आ, हम जब एक अच्छे स्पीकर को सुनते हैं तो वो कैसे एक अच्छा स्पीकर हमें लगता है क्या वो करता होगा सारी टेक्निकल आस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कशन इनका हुआ है प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आ, अब जैसे देखो यहाँ पेन लिखा था मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है तुम्हारा मुझे पेन देना तो वो पेन बोलते हैं भाई पेन दर्द होता है तो मैं दर्द नहीं चाहिए दर्द मांग रहे हो क्या पेन चाहिए आपको तो कहां पे कितना जोर देना है जहां लंबा खींच देते हैं जहां छोटा बोलना लंबा खींच देंगे जहां लंबा करना है वहां पर छोटा बोल रहे हो आप प्रोनाशिएशन आपकी सही नहीं है तो ये दिक्कतें जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को नीचे लेके आती हैं आप कहीं भी लोगों के बीच में बात करना पसंद नहीं करते आपको लगता है मेरी पोल खुल जाएगी बेहतर है चुप ही रहो इज्जत बची रहेगी अब बड़े हो चुके हैं उस उस छिपाने के बजाय अपनी कमियों को समझें उनको एक्सेप्ट करें उन पे काम करें और बेहतर करके अपने आप को प्रूफ करें कि नहीं मैं भी बिल्कुल ठीक हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीजें आपको मदद करेंगी ग्रामर पंक्चुएशन का क्या रोल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज एटिकेट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन जी ग्रुप एक्टिविटीज ये सब सारी चीजें वहां पर हुई हैं आपके साथ ठीक है तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रेजेज हैं डे टू डे कन्वर्सेशन और इनका जो पीडीएफ मटेरियल है वो भी है बट पीडीएफ से ज्यादा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो मेरा सीधा निवेदन ये भी है आपसे कि जब आप ये बैच परचेस करें तो इसमें जो बातें कही गई हैं करने के लिए बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग इफ यू वॉन्ट टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर यू हैव टू लिसन केयरफुली सो दैट यू कूड यू नो फोकस ऑन दीज डिफरेंट टेक्निकल आस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग तो उन एक्टिविटीज को जरूर करें आप ये नहीं कि ज्ञान लेकर के छोड़ दिया आपने अगर मैंने कहा है कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स को सुने या ऑल इंडिया रेडियो की भी न्यूज सुन लो पंद्रह मिनट सुबह और शाम शायद बहुत सारी जो आपकी प्रोनाउसिएशन की प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर होंगी ऐसी बहुत सारी हिदायतें वहां पर आपको दी गई हैं सो तो अगर वो सारी चीजें आप शुरू करते हैं तो काफी बेहतर हालात में होंगे आप जी के लिए जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा ग्रुप डिस्कशन पे पांच से छह सेशन हुए इंटरव्यू पे भी ऐसे ही हुए हैं बहुत डिटेल्ड तरीके से कौन सा आंसर कैसे देना है कैसे आप अपना जवाब खुद बनाएं राइट right? एक जनरल जवाब तो सबका नहीं हो सकता एवरीथिंग इज डिस्कस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन दिस बैच राइट सो एडमिशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन सिक्स ऑफ मार्च शाम सात बजे यानी संडे से शुरुआत होगी ट्रिपल नाइन फीस है और वो जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो शुरू में है तो इसका फायदा उठाएं और जिन्हें भी बोलना बेहतर करना है लैंग्वेज को उन्हें आप डेफिनेटली इस बैच को सजेस्ट कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच लेट अप ऑन मंडे और फिर हम यहां पे बात करेंगे जो अपने एडवांस वर्ब का एरिया है यानी जिरंड इनेटिव पार्टिसिपल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन वो भी होगा इन्फिनेटिव के अलग अलग वेरियंट आप देखोगे और उन्हें समझोगे थैंक यू